नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान का सोमवार को हुआ समापन। सरसंघ चालक ने कहा, सूर्य नमस्कार को बनाए दिनचर्या का हिस्सा। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संपूर्ण देश में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान चलाया गया था, जो सूर्य रथ सप्तमी यानी 7 फरवरी 2022 को पूर्ण हो गया। इसके साथ ही भारत ने 95 करोड़ 18 लाख से ज्यादा सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अभियान का समापन समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया। इस समारोह को संबोधित करते हुए सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा, जो सूर्य नमस्कार करते हैं वे सूर्य जैसे तपस्वी व तेज बनते हैं। सूर्य नमस्कार न मात्र मानसिक तौर पर मजबूती प्रदान करता है अपितु शरीर को भी पुष्ट बलवान बनाता है। उन्होंने संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी का उदाहरण देते हुए कहा, वे प्रतिवर्ष 2 बार पूरे देश का भ्रमण करते थे। जब लोग उनसे पूछते कि ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो कहते, मैं रोज 25 सूर्य नमस्कार करता हूँ, इसीलिए शरीर कष्ट झेलने में सक्षम है। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अन्य 3 पुरुषार्थों को सफल करना पड़ता है। सत्य को पाने के लिए धर्म के अन्य 3 तत्वों में मनुष्य को पहले प्रवीण बनना पड़ता है, और यही सारी बातें सूर्य नमस्कार से होती है। सूर्य तपस्या करता है, यह सत्व की तपस्या है। सूर्य भगवान रोज उस तपस्या को करते हैं, हम उनके नमस्कार करते हैं, तो धीरे धीरे हरि को भजे सो हरि का होई। सूर्य नमस्कार करे वो सूर्य सा तपस्वी होई। इस ऑनलाइन समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव, गीता परिवार के संस्थापक गोविंद देव गिरिजी महाराज और क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय महामंत्री राज चौधरी भी सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय स्कूल पर्यावरण प्रतियोगिता के परिणाम घोषित। देश के 8.5 लाख बच्चों ने लिया था हिस्सा। यूपी के बच्चों ने दिखाया खासा उत्साह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत सरकार के सहयोग से प्रतिवर्ष बच्चों को पर्यावरण के प्रति सजग करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष देश भर के 8,46,000 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। रविवार को इस प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए, जिनमें से 31,000 बच्चों को 100% अंक मिले। प्रतियोगिता के परिणाम के दौरान उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली के बच्चे खासा उत्साहित दिखे। प्रतियोगिता में दिल्ली से सबसे अधिक 2 लाख से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जबकि यूपी दूसरे स्थान पर रहा। यहां से 1,05,000 से अधिक छात्र सम्मिलित हुए। यह प्रतियोगिता संघ भारत सरकार के शिक्षा भवन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की जाती है। राज्यसभा में कोरोना काल पर बोले पीएम मोदी, कहा, भारत ने लीडरशिप रोल लिया, विश्व भर में हो रही चर्चा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में देश ने कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड बनाया। इस संकट काल में भी देश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। सरकार ने रिकॉर्ड खरीद की। कोरोना काल में देश ने खेल जगत में नाम बढ़ाया। आज विश्व भर में भारत की सकारात्मकता की चर्चा हो रही है। देश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। आज कई MSME रक्षा क्षेत्र में आ रहे हैं। कोरोना काल में रोजगार में दुगनी वृद्धि हुई है। कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी बढ़ गई है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में भी यही ट्रेंड की चर्चा है। इसके अनुसार 2017 के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब, नेस्कॉम का कहना है, 27 लाख जॉब्स IT सेक्टर में, और ये सिर्फ स्किल की दृष्टि नहीं, उससे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से वजह से भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है, और उसका लाभ रोजगार के क्षेत्र में सीधा सीधा होता है। साल 2021 में, यानी सिर्फ एक साल में, भारत में जितने यूनिकॉर्न्स बने हैं वो पहले के वर्षों में बने कुल यूनिकॉर्न से भी ज्यादा है, और ये सब रोजगार की गिनती में अगर नहीं आता है तो फिर तो रोजगार से ज्यादा राजनीति की चर्चा ही मानी जाती है। यूपी के एक प्रत्याशी के लिए 7 समंदर पार भी हो रहा प्रचार। समर्थकों ने अमेरिका में रैली निकालकर प्रत्याशी का बढ़ाया हौसला।
यूपी विधानसभा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक विधानसभा सीट के साथ यह राज्य देश की राजनीति का अहम हिस्सा है। यही कारण है कि विदेशों में बसे भारतीय भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा रुचि लेते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी अब उत्तर प्रदेश के चुनावों की गूंज सुनाई दे रही है। कोरोना के कारण यहां वर्चुअल कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वहीं कैलिफोर्निया में बदायूं की सहसवान सीट से बीजेपी प्रत्याशी डीके भारद्वाज के समर्थन में रैली निकाली गई और यूपी में फिर से भगवा लहराने का आह्वान किया। अलकायदा के सहयोगी संगठन का एक और आतंकी गिरफ्तार, पिछले साल यूपी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की योजना में था शामिल। अलकायदा के सहयोगी संगठन के आतंकी तौहीद अहमद शाह को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। NIA की विशेष अदालत ने तौहीद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आतंकी तौहीद 2021 में स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के संवेदनशील स्थानों पर आतंकी घटना करने की प्लानिंग में शामिल था। पहले से गिरफ्तार आतंकी मिनहाज ने घटना को अंजाम देने के लिए इसके खाते में पैसे भी भेजे थे। विवेचना के दौरान तौहीद का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही इसकी तलाश जारी थी। तौहीद पर भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, यूपी में ब्लास्ट करने के लिए हथियार, विस्फोटक एकत्र करके आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। इसके अन्य साथी मिनहाज, मुशीर, शकील, मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद मोईद भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। यूपी में विधानसभा चुनाव का शोर है, हर कोई अपने नेता के लिए अपील कर रहा है। बच्चों से लेकर युवा तक इसे उत्सव के रूप में मना रहे हैं। देखिए अलग अलग स्थानों से आई ये मनमोहक तस्वीरें। पहली तस्वीर मथुरा की है, जहां लोहवन गांव के लोगों ने अनोखे अंदाज में मतदान की अपील की। लोक गायिका नीता गुप्ता ने सुरीले अंदाज में बीजेपी को जिताने का आह्वान किया। बच्चे भी चुनावी माहौल को समझ रहे हैं। देखिए आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही प्यारी सी बच्ची का ये वीडियो। मैं राम भक्त हूँ, जिसने मेरे लिए ये मंदिर बनाया है। मैं और मेरा परिवार उन्हें ही लाएंगे, ये तय है। उत्तराखंड के परिवार की नन्नी मुन्नी क्यूट बच्ची जब सोशल मीडिया पर जयकारे सुन खुद लगाने लगी और परिजनों ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।